नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। किसानों के भारत बंद का देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग असर पड़ा है। कहीं यातायात बाधित हुई तो कहीं प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच छोटी छोटी झड़पें भी हुई। किसान नेताओं ने कहा था कि सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक चक्का जाम का मकसद है कि आम व्यक्ति को परेशानी नहीं है। आइए जानते हैं कहां कैसा रहा माहौल। भारत बंद के दौरान सबसे ज्यादा नजर पंजाब पर था, जहां किसान बिल का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। पंजाब में इसका असर भी देखने को मिला। कई शहरों में किसानों ने सड़क जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। राज्य के कई शहरों में दुकानें बंद दिखी और सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आई। हालांकि कुछ घंटे बाद तमाम शहरों में स्थिति सामान्य होती नजर आई। जयपुर में बंद के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस के सामने पीएम मोदी का पुतला फूंका। इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। भारत बंद को लेकर महाराष्ट्र में मंगलवार सुबह मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। राज्य भर में एपीएमसी मंडियां सुबह सुनसान थी। मुंबई, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, नासिक और कोल्हापुर जैसे प्रमुख शहरों में सुबह ट्रैफिक सामान्य था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बंद का असर देखने को मिला। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने रेल ट्रैक को जाम कर दिया, जिसके कारण काफी देर तक ट्रेनें बाधित रही, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि रेलवे पुलिस ने जल्द ही ट्रैक को खाली करा दिया और कुछ ही समय बाद ट्रेन सेवाएं फिर से सुचारू रूप से शुरू हुई। इधर दिल्ली में वकीलों ने भी किसानों के बंद का समर्थन किया। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकीलों ने कामकाज को ठप रखा और सरकार से किसानों की मांगे पूरी करने की मांग की। वहीं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के कारण गाड़ियों की आवाजाही करीब करीब ठप रही। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाते हुए नजर आए। बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार सुबह सड़कों पर कम संख्या में वाहन ही नजर आए। शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मीठापुर, गांधी मैदान, डाक बंगला चौक, वीर चंद पटेल पथ और बेली रोड पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राज्य के दूसरे शहरों में आरजेडी कार्यकर्ता बाजार बंद कराने सड़क पर निकले। हालांकि यहां ज्यादातर शहरों में जनजीवन सामान्य ही दिखी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।